हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियोस आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर। दोस्तों हमने यहां पर से जो भी पैसे ऐड किए थे दोस्तों यूएस ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों, एंड यहां पर से आपका जो भी पैसा पड़ा हुआ है दोस्तों यूएस ट्रेडिंग अकाउंट में, उस पैसे को दोस्तों यहां पर से आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ ले सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों हम यहाँ पर से ये भी डिस्कस करेंगे कि यूएस ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर से कितने दिन हमें यहाँ पर लग सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर से स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं दोस्तों, देन आप इस वीडियोस को आप स्टार्टिंग टू एंडिंग तक पूरा जरूर देखिएगा, अगर यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ लेना चाहते हैं तो। देन दोस्तों आईएनडी मनी एप्लीकेशन के जरिए यूएस ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर से आपको आईएनडी मनी एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और लॉगिन कर देना है। जैसे यहाँ पर से आप दोस्तों लॉगिन करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर से आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यूएस स्टॉक्स, तो यहाँ पर से आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दोस्तों यहां पर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो यहां पर से हमारा अभी बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों 12.96 डॉलर हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको इसको विड्रॉ लेने के लिए यहां पर आपको मैनेज का यहां पर आपको बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। इसी के बाद में यहाँ पर से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है यूएस स्टॉक अकाउंट एंड सुपर सेवर अकाउंट, तो यहाँ पर से आपको यूएस स्टॉक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर से आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है हमारा बैलेंस जो है 12.96 डॉलर। जब हम यहाँ पर आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर हम यहाँ पर से कुछ भी पैसे ऐड करते हैं दोस्तों, तो आईएनडी मनी एप्लीकेशन हमसे यहाँ पर से कोई भी चार्ज नहीं लेता है। लेकिन जब हम यहाँ से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आईएनडी मनी एप्लीकेशन हमसे यहाँ पर से पर ट्रांजेक्शन विड्रॉ पर $5 हमसे चार्ज ले लेता है। देन दोस्तों यहाँ पर आप जब भी आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर कुछ भी अमाउंट यहाँ पर आप ऐड करें यूएस स्टॉक अकाउंट में और आप जब भी विड्रॉल लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना है कि आप जब भी यहाँ पर विड्रॉल लेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको $5 से विड्रॉवल चार्ज आपको देना पड़ सकता है, तो इस बात का हमेशा यहाँ पर आप ध्यान रखना। इसी के बाद यहाँ पर अगर बात करें कि कितना टाइम हमें यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर आईएनडी मनी एप्लीकेशन यहाँ पर से कहा है कि यहाँ पर अगर आप विड्रॉ के लिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 4-5 वर्किंग डेज यहाँ पर आपको लग सकते हैं अपने इंडियन बैंक में अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर से कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो यहाँ पर आपको जाननी बहुत जरूरी थी। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले ऊपर हमारे यहाँ पर से बैलेंस दिखा रहा है 12.96 डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कुछ अलग बैलेंस दिखा सकता है, वो डिपेंड करता है आप पर कि आपने यहाँ पर कितना पैसे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर यहाँ पर अगर आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं ये भी आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपका कितना बैलेंस दिख रहा है और यहाँ पर आप कितना विड्रॉवल लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पूरा बैलेंस हमारे यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो पूरे बैलेंस को यहाँ पर विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एज इट इज 12.9 यहाँ पर डॉलर में विड्रॉ ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो हमें यहाँ पर से क्या दिखा रहा है, विड्रॉवल फ्री बाय ब्रोकर यहाँ पर से $5 हमसे चार्ज कर रहा है आईएनडी मनी, यानी कि 12.9 डॉलर्स हम यहाँ पर से विड्रॉ ले रहे हैं और $5 हमसे यहाँ पर आईएनडी मनी एप्लीकेशन हमसे चार्ज कर रहा है, तो नेट विड्रॉ अमाउंट हमारे अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा $7.90। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कंफर्म एंड विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। कंफर्म एंड विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज आ जाएगा, तो अभी हम दोस्तों यहाँ पर यूएस ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ ले लिया है। यूएस ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ लेने के बाद में वो जो अमाउंट हमने यहाँ पर से विड्रॉ लिया है दोस्तों वो अमाउंट यहाँ पर आएगा यस बैंक बैंक अकाउंट में। और विड्रॉवल्स के लिए रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर से डाला है दोस्तों 21 मार्च 2022 को। अभी हम दोस्तों यहाँ पर से चेक करेंगे यूएस ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ लेने के बाद वो अमाउंट हमारे यस बैंक अकाउंट में आने के लिए कितना दिन लगते हैं।
देन दोस्तों 21 मार्च 2022 को हमने यहाँ पर यूएस स्टॉक अकाउंट में हमने एक विड्रोवल के लिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट हमने डाला था और वो यहाँ पर 23 मार्च 2022 को हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो गया और हमारा जो भी बैलेंस था वो इनके SBI बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सुपर सेविंग अकाउंट में हमारा जो भी बैलेंस दिख रहा है उस बैलेंस को हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ ले सकते हैं। सुपर सेवर अकाउंट से हमारे इंडियन बैंक में विड्रोवल करने के लिए सबसे पहले आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। सुपर सेवर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में नीचे बॉटम पर आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज आ जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर INDB सुपर सेवर अकाउंट में बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है 619 रुपए। तो इस अमाउंट को हमारे इंडियन बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए अप टू 24 आवर्स हमें देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर आपके साथ में शेयर करो तो अप टू 6 आवर्स के अंदर अंदर आपके इंडियन बैंक अकाउंट में जो भी यहाँ पर आपका बैलेंस दिख रहा है वो सक्सेसफुली विड्रोवल हो जाता है। ठीक है, तभी इस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सीधे यहाँ पर आपको विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 619 रुपए। तो यहाँ पर आपको जो है वो 600 रुपए डाल देने हैं और पैसे को छोड़ देने हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड टू विड्रोवल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज आ जाएगा। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको वो बैंक अकाउंट चूज कर लेना है जिस बैंक अकाउंट में आप एक्चुअल विड्रोवल कर लेना चाहते हैं। ठीक है, वो चूज कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे एक OTP पूछेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखा रहा है विड्रोवल सक्सेसफुली, यानी कि हमने जो यहाँ पर 600 रुपए का जो विड्रोवल अमाउंट डाला है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो भी यहाँ पर बैंक अकाउंट है एक्चुअल अकाउंट उस अकाउंट में सक्सेसफुली विड्रोवल हो जाएगा। अगर उस दिन अगर यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल नहीं है देन उस दिन यहाँ पर आपका 1 to 2 आवर्स के अंदर अंदर सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट यहाँ पर आपने विड्रॉ किया है वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको सक्सेसफुली 2 से 3 स्टेप्स में आपका जो भी अमाउंट US ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है दोस्तों उस अमाउंट को आप सक्सेसफुली अपने बैंक अकाउंट में विड्रोवल ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आज के इस वीडियो से यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर से कैसे अपना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रोवल ले सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर यहाँ पर से अगर आपका कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है दोस्तों, जो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं अनदर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।